जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। प्रभास भी नहीं टिक पाया। हैशटैग सालार पोस्टपोन। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ट्विटर पे काफी सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मजाक से हटके प्रभास की एक्शन थ्रिलर मूवी सालार, जो कि पहले 28th ऑफ सितंबर को रिलीज होने वाली थी, वो अब पोस्टपोन हो चुकी है। तो क्या सच में जवान की वजह से सालार को पोस्टपोन किया गया या फिर कोई और रीजन था? और अब ये मूवी कब रिलीज होगी, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, तो एंड तक बने रहना। तो सालार की रिलीज डेट लास्ट ईयर 15 अगस्त के दिन रिवील की गई थी एक फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ, जिसके बाद इस साल 6 जुलाई को इस मूवी का एक टीजर भी ड्रॉप हुआ। अब इस टीजर के आने के 3 दिन बाद जवान ने भी अपना प्रीव्यू ड्रॉप किया, और उस प्रीव्यू के आगे सलार का टीजर कहीं भी स्टैंड नहीं करता। उसके बाद 15 अगस्त को सलार का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाया। हालांकि कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं थी, बट रूमर्स बहुत ज्यादा थे कि 15 अगस्त को कोई सॉन्ग आने वाला है। फिर उसके बाद आता है जवान का ट्रेलर 31st ऑफ अगस्त को, और इस ट्रेलर के बाद जवान को लेके हाइप स्काई रॉकेट हो चुकी है, और एडवांस बुकिंग के नंबर बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। बाय द वे, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी। तो ये चीजें भी सेंस बनाती है कि जवान की इतनी अच्छी खासी हाइप हो रखी है, जिस वजह से मेकर्स ने शायद सलार को डिले कर दिया, ताकि मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जवान की हाइप की वजह से सलार को डिले किया गया हो, क्योंकि मैं मानता हूं जवान की हाइप नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, और भाई किंग खान कितना बड़ा नाम है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट यू कांट इग्नोर अवर रेबल स्टार 2। प्रभास भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इस जनरेशन का रियल पैन इंडिया स्टार है भाई वो। और वैसे भी जिस वीकेंड में सलार रिलीज होने वाली थी, यानी कि 28th ऑफ सितंबर थर्सडे के दिन, वो एक बहुत बड़ा वीकेंड हो जाता है, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे के दिन शायद से हॉलीडेज हैं, तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा वीकेंड मिस नहीं करना चाहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले दो इतनी बड़ी मूवीज इंडियन सिनेमा के अंदर एक महीने के इंटरवल में रिलीज नहीं हुई है। अभी लास्ट ईयर ही RRR और KGF चैप्टर 2 दोनों रिलीज हुई थी 21 डेज के इंटरवल में, लेकिन दोनों ही मूवीज ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, और यहां भी सिर्फ 21 दिन का इंटरवल था। तो मेरे ख्याल से जो ये सोच रहे हैं कि जवान की हाइप की वजह से सलार डिले हुई है, वो एक बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, कई मायनों में गलत हो जाएगा वो। अब एक्चुअली में सलार के पोस्ट प्रोडक्शन में काफी सारा काम बाकी था, और शायद उन्होंने कुछ नया शूट करने का भी प्लान किया, जिसकी वजह से मूवी को डिले कर दिया गया। अभी कोई मेजर शूट नहीं है, माइनर शूटिंग होगी थोड़े बहुत चेंजेस के लिए, या फिर हो सकता है कोई सॉन्ग वगैरह की शूटिंग चल रही हो। बट इसमें हम ट्रू सिनेमा लवर्स का ही लॉस है, क्योंकि पहले हमें एक ही महीने के अंदर दो इतनी बड़ी मूवीज देखने को मिलने वाली थी, बट अब नहीं देखने को मिलेगी। एंड भाई, अब ये मूवी नवंबर में शिफ्ट हो चुकी है, और अब ये मूवी हमें नवंबर में देखने को मिलेगी, कोई डेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। मतलब अब प्रभास क्लैश लेंगे अपने सलमान भाई की टाइगर 3 से, जिसमें शाहरुख खान भी है। तो अगर आप उन अनभक्तों में से हो जो बोल रहे थे कि जवान की हाइप की वजह से सलार डिले हुई है, तो न्यू रिलीज डेट के अकॉर्डिंग जो अपने प्रभास है वो सलमान खान से टक्कर लेंगे, और वो भी उस पिक्चर से, यानी कि टाइगर 3 से, जिसमें सलमान खान के साथ शाहरुख खान भी है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो शायद से इस मूवी के अंदर, यानी कि टाइगर 3 के अंदर, ऋतिक रोशन का भी कैमियो हो सकता है। सलार के डिले होने का प्लान आई थिंक किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि हम फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल ये मूवी डिले हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले ये VFX हैवी मूवी नहीं थी कि इसके पोस्ट प्रोडक्शन में इतना टाइम लगा जाए, लेकिन फिर भी इसको डिले कर दिया गया। और अब ये काइंड ऑफ सेंस बनाता है कि क्यों इन लोगों ने अभी तक कुछ खास प्रमोशनल मटेरियल ड्रॉप नहीं किया है। खैर, अब जो होना था वो हो ही चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं, बस 7 तारीख को जाके जवान एंजॉय करेंगे, और अगले महीने अपनी लियो तो आ ही रही है। खैर, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी, एंजॉय वॉचिंग सिनेमा विद अभी।